आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। कश्मीर में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। जी हां, पिछले 24 घंटों से कई इलाकों में कश्मीर के बर्फबारी हो रही है और कई इलाकों में अभी बारिशें हो रही है। बात अगर जनूबी कश्मीर की करें तो जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। 5 इंच से 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में। और अगर शुमाली कश्मीर की बात करें, शुमाली कश्मीर के बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी हम मौजूद हैं और बांडीपुर में हल्की फुल्की बारिशें सुबह जरूर हो गई है, लेकिन अभी कुछ धूप सी खिलने लगी है, लेकिन सर्दी में कोई राहत नहीं है। तो ऐसे में सर्दी से बचने के लिए लोग कई तरह के तरकीबें अपना रहे हैं। कहीं पे आग जलाकर सर्दी से बचने का जो है जरिया बनाया जा रहा है, एक टीन के अंदर लकड़ियां वगैरह डालकर सर्दी से बचने का जरिया बनाया जाता है, और कहीं पे लोग पराठे पकौड़े वगैरह खाकर और कहीं पे गर्म गर्म चाय पीकर लोग जो है गर्मी से बचने के लिए वो तरकीबें अपना रहे हैं। बहरहाल ऐसे में कांगड़ियों का भी एक अहम किरदार बनता है। कांगड़ियाँ खरीद फरोख्त की जा रही है हर जगह पे, और कश्मीर में कांगड़ी एक वाहिद एक ऐसा जरिया है जो लोगों को यहाँ पर सर्दियों में राहत देती है। हालांकि आजकल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल, उनसे भी लोग राहत ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वैसे भी जो है कश्मीर के अंदर विंटर में जो है बिजली सप्लाई कम रहती है। तो ऐसे में जो रिवायती यहाँ पर चीज़ें होती है गर्मी करने के लिए, लोगों को अक्सर जो है उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। गर्म मलबूसात की अगर बात करें, गर्म कमलों की बात करें, तो लोग खरीद फरोख्त जमकर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो सर्दी के साथ साथ जो है बर्फबारी से भरपूर होगा। सर्दियों के मौसम में कश्मीर में कांगड़ी का एक अहम किरदार बनता है, क्योंकि एक वाहिद जरिया है कश्मीर में गर्मी करने का। हालांकि इलेक्ट्रिक अप्लायंस आज के जदीद दौर में ज़रूर मौजूद है मार्केट के अंदर, लेकिन कांगड़ी एक रिवायती जो है दस्तूर है कश्मीर का। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सर्दियों में कांगड़ी की जो खरीद फरोख्त है वो ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे कांगड़ी फरोख्त कर रहे हैं, क्या मार्केट रूद योहस कांगड़ी हो, क्या सीजन चलान लुक छा निवा कांगड़ी, क्या बात समझते हैं? लेकिन बस कर सर आज के मैं वो 3-5 वरी कांगड़ी का नान यूँ मार्केट ब्रोट उस रोजान तूत रूद नहीं कहीं अत क्या 12 बजे गो अत गो 12 बजे लाकडाउन कश्मीर मे रूद कि मार्केट गए कम तो तबहाल पार्केट लागिंग लाकडाउन खत्म गो कि तम पूद थोड़ा मार्केट ठीक तो इस ब्रोट मतलब बिजनेस कांगड़ी गा कि तम खुद बिल्कुल तम खुद कम अत क्या 12 बजे गो अत गो वजह कि लाकडाउन चूँकि बंडपुरी कांगर मशहूर बंडपुरी खास कांगर आज मतलब सारे को टॉप रेट क्या गा कांगरे आज इस बंडीपुर कांगरे अत त्रे कस्म आगे जनाब जी हेवी कांगर हेवी कांगर बंडीपुर गठ 800-900 अगर तुम हेवी सुन सह गिफ्ट कांगर सह गा 30-40 रुपये तथा पे सो ओबर वोबर लागू वगैरह लागू सह बड़ा हेवी गा तो पे गई आम कांगर यह वैंस गा बंडीपुर कांगर 500 रुपये अत लोकल ब्या कांगर हरियन कांगर अगर दूर हरियन यह ब्या कांगर बंडीपुर कांगरे यह गा जनाब जी 400 रुपये निम वसित ब्या कांगर सह गा 300 रुपये लुकन क्या रुझाना लुकड़े लुकन रुपये मतलब तुम रुपये दर दिन ज्यादा चीज दिन साफ अस पका माल शुक्रिया मेहरबानी शुक्रिया। तो कांगड़ियाँ फरोख्त हो रही है यहाँ पर, कई तरह की कांगड़ियाँ बांडीपुर के अंदर आपको मिलेंगी, आपको हैवी कांगड़ी भी मिलेगी यानी कि उसका रेट भी ज़्यादा होगा लेकिन उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो है आम रेट की भी यहाँ पे कांगड़ियाँ दस्तियाब है। और बांडीपुरा की कांगड़ी जो है वो पूरी वादी में मशहूर है। कश्मीर का गुरेज एरिया, हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया, देखते हैं क्या हाल है गुरेज में। हमारे साथ सीधे फोनलाइन पर मौजूद है SDM गुरेज मुदसर साहब। सर आपसे जानना चाहेंगे गुरेज में क्या मौसमी सूरत हाल है, क्या बर्फबारी हुई है या मौसम ठीक है सर? ये जो इस जो कल से जो वेदर को डिस्टर्बेंस हुई है इसमें पूरे साउथ कश्मीर नॉर्थ कश्मीर में इसको कोई इफेक्ट नहीं है। गुरेज एयर सच में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे बिल्कुल ड्राई मौसम था, कोई स्नोफॉल नहीं हुआ। हाउएवर जो राजधान प्रांत है उसमें 4-5 इंच की स्नोफॉल हो गई था जी। तो सर रास्ता जो है कनेक्टिविटी जो है बांडीपुरा हेडक्वार्टर से गुरेज तक सर उसका हाल क्या है? वो थ्रू है, रोड थ्रू है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है आज ग्रीन से बांडीपुरा का ट्रैफिक था। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो SDM गुरेज मुदसर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे
गुरेज के वेदर कंडीशन के एतबार से अपने कमेंट्स दे रहे थे, बता रहे थे कि गर्च बर्फबारी गुरेज मैन में नहीं हुई है लेकिन राजधान टाप पे 5 से 6 इंच बर्फबारी जरूर हुई है और रास्ता जो है अभी खुला है, गाड़ियां आर पार आ रही हैं। फिलहाल गुरेज से बांडीपुरा जो है गाड़ियां आ रही है। मुझे दीजिए इस खास रिपोर्ट के साथ इजाज़त। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन असरारुल हक के साथ मैं इनामुल हक। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर अनाउंसेस कोचिंग फॉर 8th, 9th, 10th ऑल सब्जेक्ट्स, 11th, 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स, ऑल्सो एंट्रेंस कोचिंग फॉर LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU एंड मोर। फॉर एडमिशंस विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर, कॉल ऑन 9622888333, 9469888333।